नमस्ते, यहाँ पर इस वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग हाइपर ओएस एंड एमआईयूआई थीम्स के बारे में बात करने वाले हैं। सभी जो थीमें रेडमी एंड पोको डिवाइस के ऊपर काम कर जाएगा, तो डेफिनेटली वीडियो को अंत तक देखो एंड पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सभी थीम्स का डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर जाके थीम स्टोर से सभी थीम को डाउनलोड करना होगा। यहाँ पर इस वीडियो में ये सभी थीम्स को शेयर करने वाले हैं, तो वन बाय वन सभी थीम को अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम जो है इस थीम को अप्लाई करने वाले हैं। थीम को अप्लाई करने के बाद फोन को एक बार जरूर से रीस्टार्ट करना, तो थीम जो है सभी प्लेस के ऊपर अच्छे से अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर इस थीम के साथ जो है सबसे पहले आइकॉन के साथ चेंजेस देखने को मिलेगा। जितने भी सिस्टम एप्लीकेशन है सभी के साथ चेंजेस है। यहाँ पर सेटिंग्स, थीम, डायलर, फाइल्स, गैलरी, कैमरा, रिकॉर्डर, नोट्स, कैलेंडर, वेदर, कंपास, सभी के साथ चेंजेस देखने को मिलेगा। सरस वर्क के साथ हमने जो है चेंजेस को नोटिस नहीं किया है। इवन वॉलपेपर के साथ चेंजेस है, क्लॉक स्टाइल के साथ चेंजेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर डायलर, मैसेजिंग एप्लीकेशन के साथ भी चेंजेस वगैरह को हमने नोटिस नहीं किया है। वॉल्यूम पैनल के साथ भी बाय डिफॉल्ट क्यूआई वगैरह का जो ऑप्शन है देखने को मिलता है। सेटिंग्स मेनू की अगर बात करें, कुछ इस तरह से सेटिंग्स मेनू देखने को मिल गया है। यहाँ पर हमने Redmi Note 10 Pro डिवाइस के ऊपर HyperOS 1.0.6.0 के साथ ये सभी थीम्स को जो है इंस्टॉल किया है। MIUI के साथ भी ये सभी जो थीम्स से काम कट जाएगा। अगर बात करें पर लॉक स्क्रीन के बारे में, तो कुछ इस तरह से लॉक स्क्रीन UI देखने को मिलेगा। यहाँ पर कैमरा का जो शॉर्टकट है, बैटरी परसेंटेज का ऑप्शन है, डेट एंड टाइम का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, काफ़ी डिफरेंट एंड यूनिक जो है लॉक स्क्रीन UI वगैरह का जो ऑप्शन से देखने को मिलता है। बात कर लेते हैं पर नेक्स्ट थीम के बारे में। सिंपली नेक्स्ट जो थीम, इस थीम को हमने अप्लाई किया है एंड हम जो है ढेर सारी MIUI थीम्स के रिलेटेड वीडियो अपलोड किया है। आप सिंपली MIUI थीम्स का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर चेकआउट करके देखो। सबसे पहले यहाँ पर सरस वर्क के साथ चेंजेस है, बैटरी आइकॉन के साथ चेंजेस देखने को मिल जाएगा, क्लॉक स्टाइल के साथ भी चेंजेस देखने को मिलेगा। कुछ इस तरह से एनिमेशन को ऐड किया गया है। आइकॉन वगैरह के साथ भी चेंजेस है, जितने भी सिस्टम आइकॉन वगैरह का है सभी के साथ जो है चेंजेस देखने को मिलेगा। सभी आइकॉन के साथ चेंजेस है। कंट्रोल सेंटर के साथ जो है चेंजेस देखने को मिलेगा। कंट्रोल सेंटर के ऊपर जितने भी आइकॉन है सभी के साथ चेंजेस है। वाईफाई आइकॉन, मोबाइल डेटा, ब्राइटनेस, वॉल्यूम, ब्लूटूथ आइकॉन, सभी के साथ जो है पर चेंजेस देखने को मिलते हैं। काफी डिफरेंट एंड यूनिक जो है कंट्रोल सेंटर देखने को मिलेगा। यहाँ पर इस थीम के साथ जो है कुछ इस तरह से UI वगैरह देखने को मिलता है। लॉक स्क्रीन की अगर बात करें, काफी डिफरेंट यहाँ पर लॉक स्क्रीन UI देखने को मिलता है। देख सकते हो कुछ इस तरह से लॉक स्क्रीन के साथ एनिमेशन को ऐड किया गया है। यहाँ पर बैटरी परसेंटेज, वेदर विजर्स का ऑप्शन है, फ्लैश लाइट, कैमरा का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। तो कुछ इस तरह से जो है लॉक स्क्रीन UI वगैरह देखने को मिलता है एंड सेटिंग्स होने के साथ हमने कोई भी चेंजेस को नोटिस नहीं किया है। इस थीम के साथ जो है लॉक स्क्रीन UI आपको कैसा लगा जरूर से कमेंट करके बोल सकते हो। बात कर लेते हैं पर नेक्स्ट थीम के बारे में। अगर आपको मिनिमल एंड क्लीन UI पसंद है, तो इस थीम को जरूर से ट्राई करके देखो आपके Redmi एंड Poco डिवाइस के ऊपर। तो यहाँ पर ये जो थीम है हमने अप्लाई किया है, इस थीम के साथ जो काफी यूनिक UI देखने को मिलेगा। देख सकते हो सभी आइकॉन के साथ चेंजेस है। यहाँ पर कैमरा, गैलरी, फाइल्स, कैलकुलेटर, वेदर, कंपास, कैलेंडर, सेटिंग्स, थीम, सभी के साथ चेंजेस देखने को मिलेगा। वॉलपेपर के साथ चेंजेस है, क्लॉक स्टाइल के साथ भी हमने चेंजेस को नोटिस किया है। यहाँ पर कंट्रोल सेंटर के साथ जो कुछ इस तरह से UI देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर MIUI 11 का जो कंट्रोल सेंटर है हमने सेलेक्ट किया है, कुछ इस तरह से कंट्रोल सेंटर के साथ UI देखने को मिलेगा। लॉक स्क्रीन की अगर बात करें, कुछ इस तरह से लॉक स्क्रीन UI है पर डेट एंड टाइम का जो ऑप्शन से देखने को मिलेगा। काफ़ी मिनिमल क्लीन UI देखने को मिलता है इस थीम के साथ। अगर बात करें पर वॉल्यूम पैनल के बारे में, तो वॉल्यूम पैनल के साथ जो कुछ इस तरह से UI देखने को मिल जाएगा। एनीवे, इसके बाद जो नेक्स्ट थीम है, इस थीम को अप्लाई करते हैं। अगेन थीम को अप्लाई करने के बाद फोन को एक बार जरूर से रीस्टार्ट करना। तो यहाँ पर सरस वर्क के साथ चेंजेस देखने को मिलेगा, बैटरी आइकॉन के साथ चेंजेस देखने को मिलेगा, क्लॉक विजेट्स के साथ चेंजेस देखने को मिलता है, आइकॉन वगैरह के साथ भी यहाँ पर चेंजेस देखने को मिल जाएगा। देख सकते हो काफी डिफरेंट एंड यूनिक आइकॉन देखने को मिल जाएगा। देख सकते हो यहाँ पर डायलर के साथ भी चेंजेस है। डायलर का जो UI है कंप्लीटली यहाँ पर चेंज हो गया है। इवन मैसेजिंग एप्लीकेशन के साथ भी यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलता है, तो जरूर से सिम को ट्राई करके देख सकते हो। कंट्रोल सेंटर के साथ कुछ इस तरह से UI है। यहाँ पर जो वॉल्यूम पैनल है, वॉल्यूम पैनल के साथ जो है चेंजेस देखने को मिलेगा। रीडिजाइन वॉल्यूम पैनल के साथ UI देखने को मिलता है। यहाँ पर सेटिंग्स मेनू के साथ भी हमने चेंजेस को नोटिस किया है।
सेटिंग्स होने के साथ भी कलर वगैरह के साथ जो है चेंजेस देखने को मिलेगा। बाकी नया वाला कंट्रोल सेंटर के साथ भी चेंजेस है, यहाँ पर वाईफाई आइकॉन, ब्लूटूथ आइकॉन, मोबाइल डेटा, जितने भी कंट्रोल सेंटर के ऊपर आइकॉन वगैरह है सभी के साथ जो है पर चेंजेस देखने को मिल जाएगा। लॉक स्क्रीन की अगर बात करें कुछ इस तरह से लॉक स्क्रीन यूआई है, यहाँ पर फ्लैश लाइट कैमरा का ऑप्शन है, प्लस यहाँ पर डेट एंड टाइम का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। तो ये जो थीम है आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। एनी भाई फिलहाल बात कर लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट थीम के बारे में। सिंपली ये जो थीम है इस थीम को अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर ये जो थीम है अप्लाई हो गया है। यहाँ पर अगर आपको डार्क मोड पसंद है तो जरूर से इस थीम को ट्राई कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर कुछ इस तरह से वॉलपेपर के साथ चेंजेस है, क्लॉक स्टाइल के साथ चेंजेस देखने को मिलेगा, आइकॉन के साथ चेंजेस देखने को मिलते हैं, सभी सिस्टम एप्लीकेशन के साथ जो है पर चेंजेस देखने को मिलेगा। काफी डिफरेंट एंड यूनिक आइकॉन देखने को मिल गया है, सेटिंग्स, डायलर, थीम, मैसेज, सभी आइकॉन जो है चेंज हो गया है। यहाँ पर डायलर के साथ कुछ इस तरह से चेंजेस देखने को मिलेगा, कंट्रोल सेंटर के साथ कुछ इस तरह से यूआई है, देख सकते हो काफी अलग यूआई वगैरह का जो ऑप्शन देखने को मिलेगा। मैसेजिंग एप्लीकेशन के साथ भी चेंजेस देखने को मिलता है, इवन जो सेटिंग्स मेनू है सेटिंग्स मेनू के साथ भी चेंजेस देखने को मिल जाएगा। या पर जो स्विच स्टाइल है इसके साथ भी चेंजेस देखने को मिलता है। एनीवे अगर बात करें पर लॉक स्क्रीन के बारे में तो कुछ इस तरह से लॉक स्क्रीन वही है, पर बैटरी परसेंटेज का ऑप्शन है, प्लस या पर कुछ इस तरह से जो क्लॉक स्टाइल लॉक स्क्रीन वही देखने को मिलता है। देख सकते हो काफी यूनिक एंड डिफरेंट लॉक स्क्रीन वही देखने को मिल गया है इस थीम के साथ, तो जरूर से ट्राई करके देख सकते हो। बात कर लेते हैं पर नेक्स्ट थीम के बारे में। एनीवे सभी थीम्स का जो डाउनलोड लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर जाके चेकआउट करके देख सकते हो। इस थीम के साथ जो सरसभर के साथ चेंजेस देखने को मिलेगा, बैटरी आइकॉन, म्यूट आइकॉन के साथ चेंजेस है, क्लॉक स्टाइल के साथ चेंजेस देखने को मिलेगा, यहाँ पर कैलेंडर विजेट्स का ऑप्शन है, इवन डॉक का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है आइकॉन वगैरह के साथ भी यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलेगा, कैमरा, रिकॉर्डर, गैलरी, फाइल्स, या पर वेदर, कैलकुलेटर, नोट, सभी आइकन के साथ जो है चेंजेस देखने को मिलता है। या पर डायलर एंड मैसेजिंग एप्लीकेशन को कुछ इस तरह से यूआई है, प्लस या पर विजेट्स के साथ जो है एनिमेशन का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, कंट्रोल सेंटर के साथ भी चेंजेस है, या पर वाईफाई आइकॉन, मोबाइल डेटा, ब्लूटूथ आइकॉन, म्यूट आइकॉन, सभी आइकॉन के साथ जो है कंट्रोल सेंटर के ऊपर चेंजेस देखने को मिलता है। इवन जो वॉल्यूम पैनल है इसके साथ भी चेंजेस देखने को मिलेगा, वॉल्यूम पैनल भी कंप्लीटली चेंज हो गया है। यहाँ पर सेटिंग्स मेनू के साथ कुछ इस तरह से यूआई देखने को मिलता है। लॉक स्क्रीन की अगर बात करें कुछ इस तरह से लॉक स्क्रीन के साथ यूआई है, काफी बढ़िया जो है एनिमेशन का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। डेफिनेटली इस थीम को ट्राई करके देखो आपके डिवाइस के ऊपर। बात कर लेते हैं पर नेक्स्ट थीम के बारे में। सिंपली नेक्स्ट जो थीम है इस थीम को अप्लाई करते हैं, एंड यहाँ पर इस थीम के साथ जो कुछ इस तरह से यूआई देखने को मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पर क्लॉक स्टाइल के साथ जो है चेंजेस देखने को मिल जाएगा, सरसभर के साथ भी चेंजेस है, यहाँ पर आइकॉन के साथ भी चेंजेस देखने को मिलेगा, सभी सिस्टम आइकॉन के साथ चेंजेस है। यहाँ पर कंट्रोल सेंटर भी कम्प्लीटली चेंज हो गया है, कंट्रोल सेंटर के ऊपर कुछ इस तरह से यूआई देखने को मिलेगा, सेटिंग्स मेनू के ऊपर बाय डिफॉल्ट यूआई है, एंड लॉक स्क्रीन जो है कम्प्लीटली चेंज हो गया है, काफी क्लीन जो है लॉक स्क्रीन यूआई देखने को मिलेगा। यहाँ पर डेट एंड टाइम का जो ऑप्शन है देखने को मिलेगा। तो आपको कौन सा थीम सबसे ज्यादा बढ़िया लगा जरूर से कमेंट करके बताना, एंड एमआईयूआई थीम का जो प्लेलिस्ट है जरूर से चेकआउट करके देख सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।